ओके दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट प्ले लेटर का केवाईसी स्टेटस कैसे चेक करें। जैसे अगर आपने फ्लिपकार्ट प्ले लेटर एक्टिवेट किया है और दोस्तों जब वहां पर आप फ्लिपकार्ट प्ले लेटर को एक्टिवेट करते हैं तो वहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी डालना होता है। यहाँ पर आपका केवाईसी को कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो केवाईसी चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका केवाईसी एक्सपायर हो जाता है तो आप जो फ्लिपकार्ट प्ले लेटर को यूज नहीं कर पाएंगे और आपको फ्लिपकार्ट प्ले लेटर में अनअवेलेबल का प्रॉब्लम आ सकता है या फिर इसके अलावा और भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों कैसे आप फ्लिपकार्ट प्ले लेटर का केवाईसी स्टेटस को चेक करेंगे, इस वीडियो में आपको दिखाने वाले। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट प्ले लेटर का केवाईसी स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, तो आपको अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर का, तो आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर में कितना लिमिट मिला है यहाँ पर दोस्तों शो करेगा। जैसे हमें यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर में 50,000 का लिमिट मिला है। दोस्तों अगर आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर में लिमिट कम है और अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया, उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर केवाईसी स्टेटस को चेक करने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं केवाईसी स्टेटस का। तो आपको क्या करना है, केवाईसी स्टेटस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका फुल केवाईसी कम्प्लीट है या फिर मिनिमम केवाईसी है यहाँ पर शो करेगा। जैसे हमारा फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो मिनिमम केवाईसी है यानी मिनी केवाईसी किया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं केवाईसी स्टेटस में जो है एक्सपायर्ड शो कर रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं डेट भी शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फ्लिपकार्ट पे लेटर का केवाईसी जो है एक्सपायर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे मिनी केवाईसी कम्प्लीट किया था, हमारा फुल केवाईसी कम्प्लीट नहीं था, जिस वजह से हमारा केवाईसी जो है एक्सपायर हो गया है। अगर यहाँ पर आपका एक्सपायर लिखा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर एक्टिव लिखा हुआ है, ग्रीन टिक लगा है, तो इसका मतलब आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से फ्लिपकार्ट पे लेटर केवाईसी स्टेटस को चेक कर सकते हैं।